हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीटिंग डिज़ाइन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये चार और यहाँ पे सात फंदे हैं। आप यहाँ पे अपने फंदे कम या ज़्यादा कर सकते हैं और ये सात के साथ ही रहेंगे। और बैक साइड से ये देखें, जो फंदे जैसे हैं हम उन्हें वैसे ही बनाएंगे, उल्टे फंदे उल्टे और सीधे फंदे सीधे चलेंगे। फ्रंट साइड से ये ऐसा है, आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम इसे बनाएंगे। एफ स्टिच बुन लेंगे, उसके बाद धागा अपनी तरफ, ये चार फंदे हम धागा अपनी तरफ रख के बनाएंगे। अब देखें, धागा बैक साइड, अब इन तीन फंदों को देखें हम कैसे करेंगे। इस बीच वाले फंदे को उतारना है सिलाई से ऐसे, और ऐसे इस सिलाई पे लेके आना है आगे की तरफ। और इन तीन फंदों के हमें तीन फंदे बनाने हैं। धागा बैक साइड ही रखना है, एक दो और ये तीन, ये देखें। और इस एक फंदे को हम ऐसे बुन लेंगे। फिर से सेम ऐसे ही इस बीच वाले फंदे को निकालेंगे, ऐसे आगे लेके आएंगे और इन तीन फंदों का हमें एक बनाना है ऐसे। एक धागा घुमाया, दो और ये तीन, फिर धागा अपनी तरफ, चार फंदे हम ऐसे बनाएंगे, फिर धागा बैक साइड, फिर से इस बीच वाले फंदे को निकालेंगे ऐसे और तीन फंदों का हम तीन बनाएंगे ऐसे, एक दो और ये तीन। एक फंदा बुन लेंगे, फिर से सेम वैसे ही तीन फंदों को हमें तीन ही बनाना है ऐसे, दो और ये तीन, फिर चार फंदे धागा अपनी तरफ। बैक साइड से जो फंदे जैसे हैं हमने वैसे ही बनाएंगे। ये वाले फंदे धागा सीधी साइड रखेंगे, बैक साइड से जो फंदे जैसे हैं हम उन्हें वैसे ही बनाते चले जाएंगे। ये देखें, एक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखें इसे फिर से कैसे बनाएंगे। फिर हम इन दो फंदों को धागा बैक साइड बुनेंगे। अब इस सेंटर वाले फंदे को उठाएंगे ऐसे, इनका हमें तीन का तीन बनाना है। साइड वाले दो फंदे फिर बुन लेंगे ऐसे ही, फिर चार फंदे
धागा अपनी तरफ, फिर से देखें इन दो फंदों को बुनेंगे, इस सेंटर वाले फंदे को उठाएंगे ऐसे ऐसे तीन का तीन बनाएंगे, फिर दो फंदे उल्टे ऐसे, फिर चार फंदे हम धागा अपनी तरफ, बैक रो, ये देखिए यहाँ पे हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से इसी को रिपीट करेंगे, अब देखिए पहले हमने इस एक फंदे को ऐसे निकाला था, अब हम इस फंदे को ऐसे एक बुनेंगे सेंटर वाले को, और फिर से इन तीन फंदों को ऐसे, एक बार हमें एक तीन फंदों को ही ऐसे निकालना है, तीन का तीन बनाना है दो बार, एक बार हम सेंटर वाले फंदे के साथ बनाएंगे, फिर से चार फंदे हम ऐसे बनाएंगे, सेंटर वाले फंदे को निकालेंगे और यहाँ पे ऐसे लेके आएंगे और तीन का तीन बनाएंगे ऐसे, और इसे एक फंदे को ऐसे बुनेंगे, ऐसे ही बनाते चले जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। आप इसे किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं, कोटी में बनाएं, स्वेटर में बनाएं, फिर से चार फंदे हम धागा अपनी तरफ बनाएं, ये देखें फ्रेंड्स आपका डिज़ाइन ऐसा बन जाएगा। आप बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि कैसा बना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एक और प्यारे से वीडियो में।